लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दिन भर की खास खबरें। जनपद हापुड़ के कप्तान दीपक भूकर के द्वारा अपराध की रोकथाम के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान में जनपद हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, तो वहीं पर दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 9 अवैध तमंचा, 2 अवैध बंदूक, 1 पौनिया, 15 जिंदा कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण किए गए बरामद। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए आलम टाइगर की रिपोर्ट। क्या बरामद की, इसमें कितने गिरफ्तार है? थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम गुड्डू एवं तब्यूर है। दोनों अमरोहा के रहने वाले हैं। इनके पास से 9 अवैध 315 बोर के तमंचे, 2 अवैध बंदूक और 1 पौनिया और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी इनसे गहन पूछताछ और होगी। ये जो भी इनसे अन्य तथ्य उभर के आएंगे, उन्हें विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, पूछताछ में क्या पता पड़ पाया? चुनाव भी नज़दीक है, कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे, क्या चुनाव में भी सप्लाई होने थे? आसपास के जिलों में, जैसे अमरोहा है आपका, बुलंदशहर है और हापुड़ है, ऐसे जनपदों में ये सप्लाई करते थे और 5 से 7 हज़ार रुपये में इसका बिक्री करते थे। कितने समय से करते जा रहे हैं? इसके बारे में हमने बताया आपको कि जानकारी की जा रही है।